दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आज हम इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। इसका साइज है 26x36। 26 इसका दोस्तों फ्रंट है और 36 इसकी गहराई है, मतलब की लंबाई। तो इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो एक ऐसा मॉडल चाह रहे थे जो शहर में और ग्रामीण में फिट हो सके। तो ये पूरा ऐसा ही मॉडल है दोस्तों। अगर हम इसकी एलिवेशन की बात करें तो ज़्यादातर ऐसा एलिवेशन आप शहरों में देखेंगे, और जो साइड का इसका एलिवेशन है ये आप ग्रामीण क्षेत्र में देखें। तो इसी मॉडल को आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। 26x36 में दोस्तों ये मॉडल बना है। अगर आपकी भी यही रिक्वायरमेंट है, आप भी 26x36 या 25x36 कुछ ऐसा चाह रहे हैं प्लान, तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन सा एलिवेशन देखने को मिलेगा, और साथ साथ अंदर जो मैंने क्रिएट किया वो भी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो पूरा डिज़ाइन के लिए सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, मैं जूम करके आपको दिखा दूँ इसे, आपको सारी चीज़ें रियलिस्टिक समझ में आ जाए, सब कुछ देख सकते हैं। ये दोस्तों फ्रंट का जो आप टेक्सचर वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने स्टेयर्स दी हैं जिससे आप चढ़ेंगे, और वहीं पर इसी वजह से गुमटी भी ऊपर दे रखा है प्रॉपर तरीके से। और ये दोस्तों बारंदे का डिज़ाइन है जहाँ से आप एंट्री करेंगे मकान में। मेन डोर ये है दोस्तों आपका मकान का। तो सबसे पहले स्टेयर से जैसे आप चढ़ेंगे तो आप बारंदे में आएंगे। तो इसका मैं ग्राउंड फ्लोर आपको दिखाता। तो ये दोस्तों ग्राउंड फ्लोर है। आप इसे एक पूरा मैंने एक साथ क्रिएट कर दिया है, बट इस वजह से आपको सारी चीज़ दिख रही, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। आप सिर्फ बारंदे से ध्यान दें तो यहाँ से जाते तो ये बारंदा देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक विंडो है, ये मेन डोर है। मेन डोर से जैसे एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको किचन देखने को मिलता है, इसके बाद इधर आपको एक बेडरूम देखने को मिलता है, सबसे पीछे दोस्तों दो बेडरूम देखने को मिलते हैं। देखिए दो बेडरूम पीछे, एक बेडरूम ये है, तो 3 बेडरूम 3 BHK या हाउस डिजाइन है। यहाँ पर दोस्तों किचन आपको एक मिलता है बट, और ये आपका डाइनिंग एरिया भी यहाँ देखने को मिलता है। वहीं बात करें लेट एंड बाथ का, तो ये मिलता है। आप स्टेयर्स के नीचे भी अपना एक टेम्परेरी लेट बाथ क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। तो ये तो 3 बेडरूम के साथ 26x36 का दोस्तों फ्रंट एलिवेशन का ग्राउंड एरिया है, देख सकते हैं। ग्राउंड में दोस्तों यहाँ पर पिलर दिए हैं और उसी पर विंडो वगैरह सब कुछ मैंने दे रखा है, देख सकते हैं। स्टेयर्स को मैंने सेपरेट कर दिया है, इसी वजह से यहाँ पर एक डोर दिया है, जिससे डोर के जब आप डोर ओपन करेंगे तभी आप स्टेयर्स को एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसा कि आपने मैं ऑलरेडी दिखा चुका था, 3.5 फुट का बाउंड्री वॉल और स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी, और इसी पर ये पूरा डिजाइन बना हुआ है। 3.5 फुट का आगे बाउंड्री वॉल, इधर आपको देख सकते कलर कॉम्बिनेशन वगैरह आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। फ्रंट ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर मैंने जो किसी भी आयरन या स्टील का उपयोग नहीं किया है दोस्तों, नॉर्मल सी ग्रिल है जो कि आप ईंटों की बनवा सकते हैं। बाद में आपको ये अपना एलिवेशन करवाना होगा, जो भी एलिवेशन डिजाइनर होते हैं वो ये सारा डिटेल करते हैं। स्ट्रक्चर दोस्तों अब बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर मैंने क्रिएट नहीं किया, बट एलिवेशन बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहाँ पर दोस्तों आपको नई नई अपडेट और मैं देता रहता हूँ, और साथ साथ हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर जा करके इस नक्शे का 2D प्लान डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर हमसे चैट करिएगा, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो बता करके मैं आपको हाउस क्रिएट करके दूंगा। उसके लिए आपको पे करना होता है, ध्यान रखिएगा 50% पहले पेमेंट करना होता है, 50% बाद में। और एक सबसे बड़ा अपडेट कि आप कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहाँ पर आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसी पर कॉन्टेक्ट करें। और नहीं तो आपके साथ कोई फ्रॉड करने वाले बहुत मैंने देखा है, कमेंट में लोग नंबर अपना छोड़ते हैं और बोलते हैं हाउस क्रिएट करने के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट करें। तो ऐसे नंबरों पर अगर आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपसे हो सकता है फ्रॉड हो, पैसा ले ले, घर वगैरह बना कर ना दे, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर ही कॉन्टेक्ट करिएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।